यदि आप सस्ती हैंड फ्री में डीजे साउंड का मजा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के वीडियो में मैंने एक ऐप का रिव्यू किया है जो चीप हैंड फ्री के साउंड को बेसी साउंड में तब्दील कर देगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पर बड़े स्पीकर्स नहीं है, नहीं तो ये चीज मैं आपको होम थिएटर में सुनवा देता। आप ये चीज हैंड फ्री में अनुभव कर सकते हैं। कई बार हमारे पास सस्ती हैंड फ्री होती हैं और हम इसमें अच्छे बेसी साउंड का मजा लेना चाहते हैं तो ये ऐप आपके बहुत काम आएगी। इसमें साउंड तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है लेकिन बास काफी बढ़ जाता है। बगैर देर किए हम ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐप का नाम आपको आगे मालूम चल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस ऐप का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये बैकग्राउंड में रन करती है, इसलिए ये आपके मोबाइल में मौजूद सॉन्ग्स, आपके स्पॉटिफाई के सॉन्ग्स, आप स्पॉटिफाई पे गाना सुनना पसंद करते हो या गाना ऐप्स पे या जिसमें भी सुनते हो, मैं स्पॉटिफाई पे सुनता हूँ इसलिए मैं उसकी बता रहा हूँ, उसमें ये काम करती है। और यूट्यूब पर जो आप गाने सुनते हैं सब पर काम करती है, सब पर आपका जो बास है बूस्ट हो जाएगा या जैसी भी आप सेटिंग रखेंगे वो सेटिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। चलिए ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, इसका नाम आपको आगे मालूम चल जाएगा जैसा कि मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पर कर दीजिएगा अलाउ, फिर से अलाउ कर दीजिए, ऐड आता है, ऐड को क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ से आप मोबाइल के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ इक्वलाइजर पर, इसे कर देते हैं गॉट इट, ठीक है, इसे कर देते हैं फिर से गॉट इट। यदि आपको गाने में एकदम से बेस चाहिए तो उसके लिए सुपर बास को दबा दीजिएगा, इससे आपको सुपर बास ऑन हो जाता है, ठीक है। मैं आपको आगे अभी दिखा देता हूँ, इसमें आपको मैं कोई सुनवा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बड़े स्पीकर नहीं है। आप इसको हैंड फ्री में ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ से इक्वलाइजर को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ये हो गया चालू, ठीक है। यहाँ से बास बूस्ट और वर्चुअलाइजर दोनों ऑन हो गए हैं। यहाँ से आप जो बास है इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये हमने कर दिया फुल, ठीक है, ये भी हो गया फुल, ठीक है। इसके बाद इस बटन को दबा के आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसे मैं करता हूँ अदर प्लेयर, जो हमारा मोबाइल का प्लेयर है उसमें ही हम गाने सुनेंगे। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप किस प्लेयर में गाना सुनना चाहते हैं, सैमसंग के म्यूज़िक प्लेयर में या फिर स्पॉटिफाई में, तो हम इस मोबाइल के प्लेयर में ही गाने सुनते हैं। इसे कर दीजिए अलाउ, इसको कर देते हैं ओके, परमिशन मांग रहा है तो इसको परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर दीजिए। इसके बाद ये वाली बटन मैं दबाता हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉपीराइट फ्री सॉन्ग, ये है मेरा फेवरेट सॉन्ग। अभी हम इस सॉन्ग पे बास को बूस्ट करते हैं और वर्चुअलाइजर को बूस्ट करते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए, हैंड फ्री में क्लियर कट समझ में आता है। दोस्तों गाने के साथ मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी पहले, लेकिन उसमें गाने की आवाज़ के कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वो वाली वीडियो फाइल अलग कर दी है, अब ये दूसरी फाइल बना रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ से आप गाने को ऑन कर सकते हैं, जिस भी गाने को आप सुनना चाहें, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और इसे इसके बाद इक्वलाइजर को यहाँ से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप बास बूस्ट कर सकते हैं और यहाँ से वर्चुअलाइजर को पूरा बूस्ट कर सकते हैं, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। सुपर बास को यहाँ से बूस्ट किया जा सकता है, ठीक है, और ये सब आप ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। देखिए यहाँ से सुपर बास को इनेबल कर सकते हैं और इसमें जो ये वाले बास बूस्ट और वर्चुअलाइजर हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ सुपर बास काम करता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम जाते हैं सेटिंग्स में, इस जगह पर म्यूज़िक प्लेयर दिया हुआ है, आप अपने मन का म्यूज़िक प्लेयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर नीचे वाइब्रेशन सेटिंग है, आप कितना वाइब्रेशन रखना चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसके नीचे म्यूज़िक स्पेक्ट्रम है, यदि आप स्पेक्ट्रम को चालू या बंद रखना चाहते हैं तो यहाँ से बंद या चालू कर सकते हैं। इसके नीचे लैंग्वेज दी हुई है, बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं। इस वाली पावर बटन को दबा के इस ऐप को बंद किया जा सकता है, जब आप इस बटन को दबा देंगे तो ये ऐप जो बैकग्राउंड में काम करती रहती है ये काम करना बंद कर देगी। देखिए यहाँ पर लिखा है इट विल कम्प्लीटली एग्जिट एंड वॉन्ट रन इन द बैकग्राउंड, इसको हम कर देते हैं ओके। अब आप इस ऐप के बगैर नॉर्मल साउंड सुन पाएंगे।
ठीक है, इस ऐप को इंस्टॉल करके देखिए और अपनी सस्ती हैंड फ्री जो भी आपके पास हो या आपके पास महंगी भी हो तो उसको भी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि ये ऐप आपको कैसी लगी। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल में वॉल्यूम बटन के खराब होने पर कैसे वॉल्यूम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, साथ में बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही यूजफुल वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।